प्रश्न नंबर 165। एक जी हां, प्रदेश में स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन हेतु राजीव फंड की स्थापना की गई है। यह एक समेकित कंसोलिडेटेड फंड है जिसके द्वारा प्रदेश के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाता है। जिला भीलवाड़ा से आई स्टार्ट पोर्टल पर अब तक 21 स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं, जिनमें से 2 स्टार्टअप्स द्वारा वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया गया है। इन 2 स्टार्टअप को राशि रुपया 6,20,000 की वित्तीय सहायता विभाग द्वारा दी गई है, जो निम्नानुसार है। वित्तीय वर्ष 2021-22 स्टार्टअप का नाम प्रीपियोंग वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। वित्तीय सहायता का प्रकार विपणन सहायता, मार्केटिंग असिस्टेंस। अनुमोदित राशि रुपया 5,00,000। वितरण डिस्बर्समेंट दिनांक 21-8-2021। वित्तीय वर्ष 2022-23 स्टार्टअप का नाम एक्सपेविंशियल पावर प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। वित्तीय सहायता का प्रकार निर्वहन भत्ता सस्टेनेंस अलाउंस। अनुमोदित राशि 1,20,000। वितरण दिनांक 25-5-2022। वितरित राशि 80,000। दिसंबर 1 जनवरी की किस्त रुपया 20,000 प्रक्रियाधीन है। 2 जिला भीलवाड़ा से आई स्टार्ट पोर्टल पर 21 पंजीकृत उत्तर है। स्टार्टअप्स में से 2 स्टार्टअप्स द्वारा वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया गया है। इन 2 स्टार्टअप को कुल राशि रुपये 6,20,000 की वित्तीय सहायता विभाग द्वारा दी गई है, जो निम्नानुसार है। स्टार्टअप का नाम प्रीपियोंग वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। वित्तीय सहायता का प्रकार विपणन सहायता, मार्केटिंग असिस्टेंस। अनुमोदित राशि 5,00,000। वितरण डिस्बर्समेंट दिनांक 21-8-2021। स्टार्टअप का नाम एक्सपेविंशियल पावर प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा। वित्तीय सहायता का प्रकार निर्वहन भत्ता। अनुमोदित राशि रुपया 1,20,000। वितरण दिनांक 25-5-2022। वितरित राशि रुपया 80,000। विद इन ब्रैकेट दिसंबर एवं जनवरी की किस्त रुपया 20,000 प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न करने का एक उद्देश्य था कि जो एक योजना है वो बहुत ही धीरे चल रही, इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो। और ये आपको अगर मैं ये पूछूं कि राजस्थान में 22-23 में कितना पैसा था इस फंड में और कितना खर्च हुआ, और उसमें भीलवाड़ा को कितना अलॉट हुआ और कितना खर्च हुआ, ये कम खर्च होने के कारण आप बता दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण योजना, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। अध्यक्ष महोदय, राजीव फंड में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 291,00,000 रुपए खर्च किए। 2021-22 में 26,18,36,000 रुपये खर्च किए। 171 व्यक्ति लाभान्वित हुए और 22-23 में 156 व्यक्ति लाभान्वित हुए, और इसमें 580.10 लाख यानी 5,80,10,000 रुपये व्यय हुए। भीलवाड़ा का सवाल है, 21 व्यक्तियों ने स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन किया और 2 ही व्यक्तियों ने अप्लाई किया, जिनको मैंने आपको बता दिया कि एक को 5,00,000 और दूसरे को 1,20,000 मिला है। जो जो अप्लाई करेंगे उनको मिलेगा। अलॉट कितना हुआ मैंने आपसे? अलॉट का जो अप्लाई करेंगे धन, इसमें जो भी स्टार्टअप वाला अप्लाई करेगा उसका प्रोसीजर है, पहले वो आई स्टार्ट पोर्टल में सबसे पहले तो अप्लाई करेगा। तो 2 ही लोगों ने अप्लाई किए 21 में से, फिर उसकी अप्रूवल होगी, फिर उसकी रेटिंग होगी ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, और उसके बाद में कमेटी रेटिंग के बाद में उसकी फंडिंग करेगी। तो 2 ही व्यक्तियों ने अप्लाई किया है। आप 10-20-50 जो अप्लाई करेंगे, एलिजिबल होंगे, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। 21 पेंडिंग पर बढ़े अभी तक अप्लाई भीलवाड़ा में 2 व्यक्ति को दिया है। 21 प्रार्थना पत्र अभी भी पेंडिंग है, उसका कारण आप बता सकते हैं क्या? अप्लाई किया है? अभी अप्लाई नहीं किया है, उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके आगे नहीं बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो उसको मिल जाएगा। अगला प्रश्न सुमित गोदारा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 166। माननीय